इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्लास में करोगे ना तो आईए जाएगा, कभी एक इतनी 2 के पावर -2 आएगा, तो बेसिक क्लियर रहेगा तब ना प्लाक्षी। तो देखो बाबू आपको क्या बताया था, पावर माइनस है ना, तो पहले माइनस से पावर प्लस बना दो, पावर माइनस में सर। तो आपको फार्मूला नहीं बताए थे कि जब भी किसी नंबर पे पावर, बाबू मान लो 2 के पावर अगर -2 होता, तो पावर अगर प्लस बनाना है तो यहाँ 2 के नीचे नहीं कुछ है, 1 है, तो क्या लिखो, 1/2 के पावर 2 लिख दोगे। पावर में माइनस है बोला तो या इसको उलट देना, तो क्या हो जाएगा, 2 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 समझेंगे, तो 1/2 के पावर ये माइनस है तो माइनस रह ही जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे -2 के है तो उलटोगे तो 1/-2 पावर 2 हो गया, नेक्स्ट समझ है ना। 3 को उलटोगे पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव पावर कैसे बनेगा, तो 3 को उलटोगे कितना, 1/3 के पावर 3, ठीक है ना, नेक्स्ट समझो। अब देखो निगेटिव साइन के पावर इवन नंबर, ये पावर जो आगे रूल बताएंगे, पावर बाबू जब इसको ब्रैकेट लगाओगे तो पावर उछल के 1 पे भी आएगा, पावर उछल के 2 पे भी जाएगा, पावर उछल के निगेटिव साइन पे भी आएगा, मतलब ये ब्रैकेट हटाओगे ना बाबू तो 1 का स्क्वायर और निगेटिव साइन का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ऐसे टूटेगा। ये पावर बाबू जब ब्रैकेट लगाओगे तो 1 के पावर आएगा, फिर निगेटिव साइन के पावर 3 जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 3 के पावर कितना है, 3 है ना। ये पावर बाबू ब्रैकेट हटाओगे तो 1 पे यू ब्रैकेट दे लेने, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर बाबू नंबर सिंबल है सब पे पावर आता, तो 1 के पावर आएगा, 3 के पावर 3 आएगा, और निगेटिव साइन पे भी पावर 3 आएगा। 1 का स्क्वायर बचपन में मम्मी कितना सिखाई थी, 1 सिखाई थी। निगेटिव साइन का इवन पावर, निगेटिव साइन का इवन पावर, तो निगेटिव साइन के इवन नंबर है ना, 2 क्या इवन नंबर है, तो निगेटिव साइन के इवन नंबर पावर कितना होता है, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1, निगेटिव साइन के 3 ऑड नंबर है, देख लेना निगेटिव साइन पे ऑड नंबर है ना, तो इसका रिजल्ट माइनस ही रहेगा। 3 का क्यूब, 3 का पावर 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना, 27। नेक्स्ट अब बाबू मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में क्या ना माइनस है जी, है ना, तो माइनस आगे बाहर कर दो, 1 मल्टीप्लाई है ना ये 4 और 27 मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस रिजल्ट कितना, 27 28 4 2 8 2 10 है सर्वन ना, 08 1108 हो जाएगा, 1/2। नहीं समझ में आया फिर से समझो, तो अभी आपको हमने क्या क्या फार्मूला बताया, अभी आपको कुछ नहीं बताया है। पावर माइनस रहेगा तो उलट देना, जैसे 3/2 के पावर मान लो -2 है, तो पावर माइनस से प्लस कैसे बनाओगे, 2/3 के पावर है ना 2 कर दोगे। उसके बाद आपको क्या बताया, बेस सेम रहेगा तो पावर जोड़ देंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मान लो 4 है, तो बेस सेम है ना, तो पावर को क्या करना, जोड़ देना, 3 + 4 कितना, 7, मैंने ठीक मल्टीप्लाई कर दिया था पावर को। ठीक है ना। तो यही सब आपको रूल बताए थे, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से समझो। जैसे बाबू बाबू कितना, बाबू मान लो -3/2 के पावर मान लो -3 है, अब मल्टीप्लाई -2/3 के पावर कितना भोला, -2 है, तो यहाँ बेस सेम समझेगा भोले पलाक्षी, यहाँ 3/2 बेस सेम नहीं ना, बेस सेम रहता था ना पावर जोड़ते जी, -3/2 है, ये 2/3 है, ठीक। तो कैसे इसको सोल्व करोगे, तो पहले पावर को माइनस से प्लस बना लो, पावर को माइनस से प्लस बना लो, तो ये माइनस पावर है ना, तो ये प्लस कैसे बनेगा, तो ये 3/2 है तो नंबर उलट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, माइनस आगे रहे दो, आई पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक सर, मल्टीप्लाई। ये बाबू क्या है, इसको चाहो तो उलट सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं उल्टो, आप पे डिपेंड कर रहा बाबू, उलटे का मन है उलट दो, है ना। तो 2/3 के माइनस पावर है तो उलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, आगे माइनस है माइनस रह देना। अब ये जो पावर ब्रेक करोगे भोला मेरा, तो ये पावर दो समझो, यहाँ पे निगेटिव के भी पावर 3 है, 2 के भी पावर 3 है, 3 के भी पावर 3, इस ब्रैकेट में जितने सारे टर्म हैं ये पावर बाबू सारे नंबर के लिए है, ये निगेटिव के लिए भी पावर 3 है, 2 के लिए भी पावर 3 है, 3 के लिए भी पावर 3 है, बात समझो।
यहाँ निगेटिव, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर पावर है ना बाबू, तो ये पावर भोला ना, माइनस के लिए भी पावर है, तीन के लिए भी पावर है, दो के लिए पावर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, इसको अगर सिंपली ब्रेक करोगे तो माइनस पे पावर कितना आएगा? तीन आएगा, है ना? हाँ सर, ये तीन जो पावर दो पे भी आएगा, तीन पे भी आएगा, और तीन पावर निगेटिव साइन पे भी जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म होते हैं ना, सभी के लिए पावर होते हैं, अगर ब्रैकेट में लिखा है तो। तो कितना लिखेगा? माइनस के पावर थ्री मल्टीप्लाई, यही सभी सब बच्चा को बेसिक दिक्कत होता, टू के पावर थ्री और थ्री के पावर थ्री मल्टीप्लाई, पावर टू है। अब आगे से हम इतना नहीं बताएंगे आपको, डायरेक्ट बनेंगे माइनस के पावर, ब्रैकेट हटाओगे तो निगेटिव के पावर टू आएगा, फिर बाबू पावर थ्री पे भी उछल के आएगा, आई पावर थ्री पे भी उछलेगा, पावर टू पे भी उछल के आएगा, डिवाइडेड बाई टू के पावर टू कृतिका, है ना भोले? नेक्स्ट, अब निगेटिव साइन के पावर ऑड नंबर, तो निगेटिव साइन के पावर तीन मेरा ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर इवन नंबर तो जानवे करता, तीन मेरा ऑड नंबर होता, तो निगेटिव साइन के ऑड पावर, निगेटिव साइन का ऑड पावर, तो रिजल्ट क्या होता? माइनस होता। मतलब क्या देंगे? माइनस देंगे, मतलब इसको जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा माइनस देंगे। टू के पावर थ्री कितना बचपन में पढ़े? एट, और थ्री के पावर थ्री कितना? तीन मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई तीन, 27 मल्टीप्लाई, निगेटिव साइन के दो इवन नंबर है, तो निगेटिव साइन के इवन पावर कितना? प्लस में, है ना, मल्टीप्लाई थ्री के पावर टू कितना? नाइन, और टू के पावर टू कितना? फोर। तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, अब दो को मल्टीप्लिकेशन नहीं ना एक साथ दे सकते थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म क्या था? मल्टीप्लाई ये था ना जी। तो एक को मल्टीप्लाई देना, मतलब बाबू ये आप पर सिंपली क्या मल्टीप्लाई, मार धार करो, मरता तो ठीक है, नहीं मरता तो छोड़ दो। तो चार से मरेगा दो बार में, और नौ से बाबू 27 मरेगा तीन बार में, तो 2/3 आगे माइनस में लग जाएगा, तो माइनस में कितना? 2/3, मतलब बाबू इतना लंबा करे के जरूरत नहीं है, निगेटिव के पावर ऑड नंबर आगे माइनस रिजल्ट आएगा, अब बाकी तीन के पावर तीन, दो के पावर तीन, है ना, फिर निगेटिव के पावर इवन नंबर, मतलब इसको सिंप्लीफाई करे के जो भी आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा, है ना? तो ये आपको इतना एक्सप्लेन कर, सर इतना कर, इससे अच्छा तो पहले वाले का नेगेटिव पावर मतलब पॉजिटिव कर देते और दूसरे वाले की नेगेटिव ही पावर आने देते फिर माइनस कर देते। हाँ, वो भी सही है, यहाँ से आप स्टेप चेंज भी कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद बाबू देखो, ये बाबू -2/3 हो गया, हाँ सर, आई -3/2 हो गया, है ना? ठीक, तो यहाँ पे बाबू इसको पलट दोगे, ये तो पलट दिया ना बाबू, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे सर? एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है बाबू कि एक को नंबर को पलटो, -2/3/2 है तो इसको -2/3 कर दो, आई भी -2/3, और उसके बाद पावर जोड़ दो, मतलब क्या सर? ये इसको फर्स्ट मेथड कर दो भोला, है ना, और सेकेंड मेथड भी समझाइए देते हैं भोला, ऐसे भी कर सकते हैं सर, कैसे सर? ऐसे सर, है ना, कैसे कर सकते हैं? -3/2 है ना, तो इसको उलट दोगे, एक के वो को उल्टो, -3/2 को उल्टो तो -2/3, ये पावर कितना? तीन हो जाएगा, अरे पावर माइनस से प्लस करेगा तो उलट जाएगा, है ना? नेक्स्ट मल्टीप्लाई, इसको मत उल्टो, क्यों सर? बताते हैं, -2/3 के पावर -2, है ना, इसको नहीं उल्टे बाबू, तो दोनों बेस बात सेम हो गया कि नहीं हो गया? सोचो, -2/3 -2, बेस सेम हो गया ना, तो बेस सेम होगा तो पावर को जोड़ दोगे, तो ऐसे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? जो दिमाग लगे आप वो, है ना, बेस सेम हो गया भोला, तो पावर को क्या करोगे? जोड़ दोगे, पावर को क्या करोगे? जोड़ दोगे, है ना? हाँ सर, मतलब क्या सर? ये जो हो जाएगा वो -2/3 -2/3 क्या होगा? एगो लिखेंगे कृतिका भोली, बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ोगे? थ्री और -2 जोड़ोगे, ऐड करोगे तब थ्री प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -2/3 के पावर वन, है ना, आ किसी भी नंबर का पावर वन कितना होता है? वही रिजल्ट होता है, तो -2/3 हो जाएगा। तो आप ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं।
लिखो जी, जिसको नहीं समझ में आता समझाते फिर से। सर नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 77 होगा ना? हाँ बोले 77 होगा, बोले कर। कि मेथड लिखना है ना? दोनों लिखो ना जी, शैतान, दोनों में एक के मेथड लिखना, क्वेश्चन बनाते नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया, आपको जितना रूल बताए हैं ना उतना खाली याद रखो, अभी और इसमें दो तीन गो और है ना, तभी तो आपको जितना बताया उतना ही सब कमांड कर लेगा, तो धीरे धीरे एक्सपोनेंट हो जाएगा। जब भी पावर निगेटिव रहे बाबू तो उसको उलट के पावर पॉजिटिव बना दो, और उसके बाद धीरे धीरे रूल लगाते चलो, आपको धीरे धीरे रास्ता निकलते चलेगा। लिखो फिर से समझाते हैं जिसको नहीं समझ में आया। ये जो चैप्टर है भूलिहार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे सर? क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करोगे तो पावर आपको सोल्व करेला आइए जाएगा। दो तीन को तो रूले याद रखना है। डन सर। नेक्स्ट लिख लिया थर? नहीं सर, लिख रहा हूँ। ए संकल्प शैतान लिख रहा है जय संकल्प। यस सर। हाँ लिखते चलिए। देखो नेक्स्ट बाबू लिख ली कृतिका, लिख लिया सर। बोलिए यस सर। मेथड बचा है जल्दी करो, अभी स्कूल से आ रही, बोली। सर, आज भारत बंद है ना तो स्कूल छुट्टी। सर भारत बंद है, स्कूल छुट्टी, लेकिन हमारा स्कूल भारत से पता नहीं अलग ही है, स्कूल की छुट्टी नहीं करी। बाबू इसीलिए आ गई, चलो अच्छी बात है। 78 नंबर। जैसे सर माइनस, आपको स्कूल की छुट्टी थी क्या? नहीं बोले, -1 के पावर मान लो बाबू 1001 है, डरेगा? और -1 के पावर बाबू मान लो 2002 हो गया, है ना? ठीक सर, तो चेल बाबू जल्दी फास्ट लिखो जी थोड़ा सा बाबू, आधा घंटा की क्लास है बाबू, आप ले लिखने में ही लगाओगे 5 मिनट 10 मिनट तो कैसे जिंदगी कटेगा? सिखाने लग जाते हो तो हम लोग लिखते रहते सर, फिर वो समझ नहीं आ जाता, अच्छा लिखो लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी क्योंकि फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लिखो, चांस करते हैं, अभी तो हम आएगा उसको उठा बैठी करवाते हैं। सर उसने होमवर्क भेज दिया सर, वो रात को काम कर रहा था इंग्लिश का, वो भूल गया था DIY भी। 2000 मान लो 3 है माइनस, तो डरेगा बाबू? नहीं डरेगा, माइनस पावर है ना, पावर में माइनस है तो इसको उलट दो पहले, तो पावर माइनस है तो 1 को उल्टोगे तो कितना होगा? अरे 1 को उल्टोगे तो 1 रहेगा ना, बात समझो, पावर माइनस है सर, तो माइनस पावर को प्लस कैसे बनाओगे? तो 1/, यहाँ पे नहीं कुछ है, 1/ -1/1, अब इसको उल्टोगे बोला तो माइनस यहाँ 2 चाहे यहाँ 2, कहीं भी माइनस 2 सेम ही रहता है, -1 को उल्टोगे बाबू तो -1 रहेगा, बात सा। अरे सही कौन, -1 को उल्टो ना तो 1/-1 लिखेगा, अरे 1/-1 लिखो चाहे इसको -1 लिखो, सब बतिया वही है, तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के लिए रखना। तो इसको तो उलट दिए सर, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 1001 लिख सकते हैं। ई पावर -1 के पावर कितना है? 2002 है। आई बाबू उलट देगा, -1 को उल्टेगा तो वही रहेगा, -1 को उल्टेगा तो वही रहेगा ना जी, तो मतलब क्या बाबू, -1 के पावर 2003 लिख सकते हैं, -1 को उल्टेंगे तो वही चीज रह जाएगा। अब देखो निगेटिव साइन के 1001 कौन सा नंबर है? निगेटिव साइन के 1001 कौन सा नंबर, सोचो, ऑड नंबर है, तो निगेटिव साइन के ऑड पावर, निगेटिव साइन का ऑड पावर इज माइनस, अरे शैतान समझो ना भला, निगेटिव साइन का ऑड पावर है तो रिजल्ट माइनस। म्यूट कर दे। नेक्स्ट 1 के पावर 1000, तो 1 के पावर 1000 कितना? 1 होगा। निगेटिव साइन के बाबू इवन पावर, माइनस ऐसे कर सकते हो, -1 के इवन पावर, तो रिजल्ट +1 होगा।
माइनस वन के इवन पावर है ना, तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस वन होगा। यहाँ माइनस वन के ऑड पावर है, पावर में क्या ऑड है, माइनस वन के 2003 ऑड पावर है, तो माइनस वन के पावर बाबू ऑड नंबर है, तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस वन होगा। निगेटिव साइन का ऑड पावर माइनस, और वन के पावर 2000 रखो चाहे 4000 रखो चाहे 5000 रखो, वन के कितना हूं पावर रखोगे रिजल्ट हमेशा वन ही होता है, ठीक है ना। हाँ सर, अब यहाँ पे बाबू देख कई गो मल्टीप्लाई माइनस में, एक गो दो गो मल्टीप्लाई माइनस में, मल्टीप्लाई में कितना निगेटिव साइन है, दो गो ना है जी, तो माइनस माइनस अगर निगेटिव साइन दो बार मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई वन कितना हुआ, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, प्लस वन होगा। तो आपको यही सब एग्जाम में आता है, प्लस वन माइनस वन जीरो ऑप्शन दे ले रहेगा, है ना, लिखो करते रहना। ठीक, नेक्स्ट बाबू अगला रूल जल्दी लिखो। तो आपको बेस सेम था बाबू तो पावर को जोड़ने ला सिखाए थे, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहता बाबू तो पावर को जोड़ते हो, अगर बेस बाबू सेम रहे और डिवीजन में रहे तो सर बेस सेम है बाबू, है ना, और मल्टीप्लिकेशन के जगह अजय जल्दी लिखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोला या नेक्स्ट रूल, अगला जो रूल है भोला मेरा, है ना, इसको कोसेंट रूल कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसेंट रूल कहते हैं, सेजल मनीषा साहू। क्या होता बाबू, जैसे एक के पावर एम डिवीजन एक के पावर एम, बेस सेम है डिवीजन में है तो पावर को घटा देंगे, एम माइनस एन करेंगे, अगर बेस सेम है डिवीजन में है तो पावर को सबट्रैक्ट करना, अब बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को जोड़ेंगे, बात समझो, बेस सेम होता है यहाँ डिवीजन है तो पावर को घटा देंगे, अब आसान का वाला बताए ना, बेस सेम है अब मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एम प्लस एन करते हैं, यह ध्यान देना, यही सब छोटा छोटा चीज तो यूज होता है पढ़ाई में, बेस सेम डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट होगा, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, हमारा के नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, अब क्या कहना चाहते, फॉर एग्जाम्पल नंबर 79, इसको आप ऐसे दूसरा ये भी कर सकते बाबू, अगर फ्रैक्शन में भी रहेगा भोला मेरा और डिवीजन रहेगा फ्रैक्शन में रहेगा तो भी पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, ए बटा बी के पावर ए माइनस एन, है ना। हाँ सर, मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसी धीरे धीरे कर करके हम लोग डेली आधा घंटा देंगे ना तो बहुत सीख जाएंगे। 79, जैसे 2 के पावर 4 और डिवीजन 2 के पावर 2, बच्चा डरेगा कहला डरेगा, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो पावर को ऐड कर देता, और डिवीजन है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, बेस सेम है ना, 2 2। हाँ सर, तो क्या लिखोगे, 4 माइनस 2 करोगे, अब 4 माइनस 2 में कितना पढ़े हो, 2 पढ़े हो, है ना। हाँ सर, आए सर फ्रैक्शन में रहेगा तो हमारा तो बेहोश हो जाएंगे, नहीं 2 बाय 3 के पावर मान लो 4 है, डिवीजन 2 बाय 3 है, ठीक, तो डरेगा नहीं, डरेगा किसी भी नंबर के ऊपर नहीं, कुछ पावर होता है तो वहां पे 1 होता है, सबका मालिक ए, तो इसको कहेगा सोल्व करने के लिए, तो 2 बाय 3 के कितना करोगे, 2 बाय 3 है, 2 बाय 3 बेस सेम है ना, फोर्स, तो पावर क्या करेंगे, सब ट्रैड करेंगे 4, और यहाँ पे नहीं ना कुछ पावर है तो बाई डिफॉल्ट वहां पे 1 समझना, यहाँ पे नहीं ना कुछ पावर दिया था, यहाँ 1 समझना, समझे, बोली प्राच्य वो क्वेश्चन गलत की थी, यहाँ पे क्या समझे, 2 बाय 3 के पावर नहीं ना कुछ है जी, तो 1 समझना, तो 2 बाय बेस सेम है डिवीजन है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 बाय 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 3, है ना, लिखो, तो बेस जिंदगी में सेम रहेगा डिवीजन में रहेगा पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस सेम रहेगा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा पावर को जोड़ देंगे, पीजी से भी आसान है।
उसको बैठाइएगा, बोले कर कृतिका बाबू, क्या नाम है बाबू कृतिका भाई का? समर्थ। समर्थ नाम है। अभी बैठाइएगा, टेबल कहाँ तक याद है? 12th तक। अभी एलसीएम निकाले ला सिखा रहे हैं, देखो 2-3 दिन बैठाओ, फिर फ्रैक्शन का एडिशन सिखाएंगे। एडिशन आता है उसको कि नहीं आता? एडिशन आता है लेकिन एलसीएम उतना तक पढ़ाया नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि वो उतना पकड़ पाएगा। पकड़ लेगा, इसमें 2 क्लास का बच्चा जब पकड़ लेता है जी, तब तो वो पकड़ ही लेगा। अभी देखो आधा घंटा इस टाइम में, और 1 घंटा 8 से 9 में, 1.5 घंटा का क्लास बाबू, आधा घंटा भी 1 घंटा शाम को 8 से 9। 2 2 क्लास का बच्चा देखो ना, अभी सब आएगा, वो 2 का, कोई 3 का है, आज तो शैतान 4 में पढ़ता है, बताओ इसको तो पहले ही चलाना चाहिए। 8 से 9 में कौन से क्लास का? वही है 2 3 4 वाला है। मान लो जो नया नया बच्चा बाबू, उसका छूट गया ना एडिशन, बेसिक एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी आधा घंटा पढ़ाएंगे 3.5 से 4 में, और फिर 8 से 9 में उसमें रोमन नंबर वगैरह ये सब बताएंगे। रोमन नंबर जानता है? 5 को कितना में टेक्स्ट लिखते हैं? है ये ना? सर वी देखो डेढ़ अच्छा घंटा करेगा, कुछ दिन स्ट्रगल होगा, फिर धीरे धीरे अपने सीख लेता है बच्चा सब। नेक्स्ट बाबू, 2-3 को है भोला, इसको बनाओ तो फिर बाबू। आए सर, ऐसे एक और बता देते, 2 के पावर 4 डिवीजन 2 के पावर मान लो 3, और डिवीजन 2 के पावर मान लो 5 है, डर जाएगा भोली पलाक्षी, डर जाएगा बाबू। काहे ला डरेगा? बेस सेम है, देखो कैसे करना, बेस सेम है ना जी। हाँ सर, तो पावर सब ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करोगे? 4 माइनस 3 माइनस 5, बेस सेम है, आप पावर क्या है बाबू? 4 है 3 है 5 है, डिवीजन में बेस सेम, डिवीजन पावर सेम, 4 माइनस 3 माइनस 5 करना। अब ये बाबू 4 माइनस 3 माइनस 5, बचपन में मम्मी पढ़ाई थी ना, -8। ठीक सर, 4 माइनस 8 कितना होता है अनुज का, जानती हो जी? 4 माइनस 8 बोले गुड इवनिंग सर, मतलब गुड आफ्टरनून सर। -4। -4 हाँ, और 2 के पावर -4, इसको प्लस में कैसे दिखेगा? 1 बटा 2 के पावर 4, ये 2 के पावर -4 है ना, तो इसको उलट दो, 1 बटा 2 के पावर, सर। यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहीं तक छोड़ सकते, नहीं तो 16 करोगे इसको, है ना। लिखो, 1 2 को क्वेश्चन देते हैं, तो अभी इसमें हम लोग बढ़िया बढ़िया चीज सीखेंगे जो आपको जिंदगी भर यूज होगा। 2 चैप्टर आपका मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलजेबरा आर एक्सपोनेंट वाला, यही सब बच्चा का सर ये जॉब लिखना है। सर लोग, आप लोग को ना लिखना है, लिखना है अभी। नेक्स्ट बोला, 1 2 को बना के भेजना, तो 2 बाई 3 के पावर -2 मल्टीप्लाई बोला, -3 बाई 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बोला, 1 के पावर 4 के पावर -2, 4 बटा 5 के पावर 2 डिवीजन 5 बटा 4 के पावर -2। दिमाग लगाओ, अब 4 बटा 5 के पावर 2, तो ये बाबू ज्यादा देते नहीं, बना लो भी आप लोग, बैठाओ उसको कृतिका, देखते हैं बाबू को क्या आता नहीं आता। अभी तो शैतान उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे तभी। नो।